Hey guys, good afternoon. और मैंने जस्ट अभी लंच ख़त्म किया है और मेरी मीटिंग के बाद मैंने लंच ख़त्म किया है और मैं बैठी हूँ आप लोग के सामने. और आप लोग मेरा लुक देख करके कुछ आइडिया लगा लिया होगा आपने कि मैं बात कर रही हूँ आज स्टाइलिंग की. यस, कि 50 के बाद भी कैसे हम स्टाइलिश दिख सकते हैं, चाहे हमारी हेयर स्टाइल हो, चाहे हमारे कॉस्ट्यूम्स हो और चाहे हमारा मेकअप हो. अभी देख रहे हैं आप, मैंने लिटिल बिट ग्लैमरस साइड में गई हूँ. मेरी एक मीटिंग ऐसी थी तो मैं अकॉर्डिंगली अपने को उस हिसाब से मोल्ड करती हूँ. ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए और कोई फिक्र नहीं करिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है. मैं इस जंजाल से बहुत मुश्किल से निकली हूँ और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस जंजाल से निकल जाइए कि सामने वाला क्या सोचता है. जब हम उसके बारे में नहीं सोचते तो वो हमारे बारे में क्यों सोच रहा होगा, और सोच भी रहा होगा तो बाढ़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. तो देखिए, आपने मैंने जो बाल अभी कटवाए ना, उसको मैं किसी भी लुक में कर लूँ वो अच्छे लगते हैं. तो स्टाइलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे बालों में वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसके साथ कोई भी स्टाइल अपना लें और वो अच्छा लगेगा. और अभी जो मैंने टॉप पहना है, ये मैं इसका लुक आपको दिखाती हूँ. ये बहुत ही सिंपल सा टॉप है, कॉटन का है, कंफर्टेबल है. और इसको मैंने सिंपल जीन्स के साथ पहना हुआ है और मैंने थोड़े से इयररिंग्स अपने स्टाइलिश रखे हैं, थोड़े लिपस्टिक का कलर स्टाइलिश रखा है. और काजल तो मैं रेगुलरली लगाती हूँ और बाल मेरी ऐसी स्टाइलिश है, वो हो गया स्टाइल. इसमें कोई बहुत हार्डली आई थिंक 5-10 मिनट्स लगे मुझे रेडी होने में. और मैं आपको अपना इसका फुल लुक दिखाने की कोशिश करती हूँ. ये देखिए. आई होप मैं स्टाइलिश लग रही हूँ. अगर हाँ लग रही हूँ तो खूब सारे लाइक कर दीजिएगा भाई. मैं 50+ हूँ, मैं इसीलिए प्राउडली बताती हूँ. मैं कोई फोटोशॉप नहीं करती, मैं कोई एज नहीं छुपाती भाई साहब. मैं 50+ हूँ और मैं 50+ ही दिखाती हूँ अपने को. तो 50+ लेडीज़ इस तरह का कुछ कॉस्ट्यूम पहन के स्टाइलिश हो सकती हैं. अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट. सेकेंड लुक है जो मैंने कैजुअल सी शर्ट पहनी है, बेहद कैजुअल सी शर्ट है. इनफैक्ट ये प्रेस भी नहीं है, है ना. और इसको मैंने नीचे से टाई कर लिया स्टाइलिंग के नीचे, इसके लिए नीचे. और मैं अपना, आपको पता है कि मैं प्लस साइज में ही हूँ, इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई छुपाने की जरूरत नहीं. प्लस नहीं, साइज होने के बाद भी आपको स्टाइलिश लगना है, दैट इज द एम ऑफ इट. डोंट फील अशेम्ड ऑफ इट, बॉडी शेमिंग की कोई जगह नहीं है. तो और इस स्टाइल के साथ आप स्कर्ट भी पहन सकते हैं नीचे, आप चाहें तो शॉर्ट्स पहन सकते हैं. मैं शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, पजामा भी पहनती हूँ. ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही कम्फी टाइप का मेरा कॉस्ट्यूम है, ये शर्ट है. तो ये मेरा आपको नेक्स्ट लुक आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके